मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे परिक्रमा को लेकर, किनकी कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए। नंबर एक, पहले मित्रों देखते हैं पीपल की परिक्रमा। पीपल की हमें कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा फल प्राप्त हो। मित्रों, शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे या शनिवार मंदिर में शनिदेव के नाम से दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। शनिवार को पीपल में जल देना चाहिए और पीपल में सूत्र बांधकर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। मित्रों, यह यदि आप प्रक्रिया करते हैं तो आपको 7 जन्मों तक कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। यह वासुदेव भगवान की सदैव आप पर कृपा बनी रहेगी। इसके बाद मित्रों, दूसरा हम देखते हैं भगवान विष्णु की परिक्रमा। सृष्टि में पालनार हार अथवा विष्णु भगवान और उनके सभी अवतारों की 4 परिक्रमा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। परिक्रमा लगाते हुए भगवान की पीठ की तरफ पहुंचने पर उनको प्रणाम करना चाहिए। परिक्रमा अधूरी करने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए मित्रों हमें पूर्ण परिक्रमा करनी चाहिए ताकि हमें उस परिक्रमा का पूरा फल प्राप्त हो सके। भगवान विष्णु के जो स्वरूप हैं उनकी हमें कितनी परिक्रमा लगानी है, 4 परिक्रमा लगानी चाहिए, इस बात को हमें ध्यान रखना है। इसके बाद मित्रों हम देखते हैं तीसरे नंबर में हनुमान जी की परिक्रमा। वेद पुराण के अनुसार श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी की 3 परिक्रमा करना विधान बताया गया है। परिक्रमा शुरू करने के पश्चात बीच में रुकना नहीं चाहिए, साथ ही परिक्रमा वहीं ख़त्म करनी चाहिए जहां से हम शुरू करते हैं। परिक्रमा करते वक्त बीच में रुकने से हमारी परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। हनुमान जी की परिक्रमा करते समय उनका ध्यान जरूर करें और उनका स्मरण करते रहें ताकि आपकी परिक्रमा सफल हो। इसके बाद मित्रों भगवान गणेश की परिक्रमा। श्री गणेश की 3 परिक्रमा करनी चाहिए जिससे गणेश जी भक्तों को रिद्धि सिद्धि सहित स्मृति का वर देते हैं। भगवान की परिक्रमा करते समय मन में बुराई नहीं होना चाहिए, काम क्रोध तामस जैसे भाव नहीं होना चाहिए। परिक्रमा नंगे पैर से करनी चाहिए। गणेश जी के विराट स्वरूप का मंत्र का वा ध्यान करना चाहिए। ऐसा यदि आप कार्य करते हैं तो आपको 100% सफलता की प्राप्ति होगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद मित्रों भगवान शिव की परिक्रमा। शिव लिंग की पूजा हम करते हैं जो कि बहुत शुभ मानी जाती है। शिवलिंग की परिक्रमा का भी महत्व शास्त्र के अनुसार वेदों में बहुत बताया गया है। विष्णु पुराण और शिव पुराण शास्त्र के अनुसार शिव भक्तों की को शिवलिंग की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। इसका कारण यह है कि शिव आदि और अनंत दोनों हैं। आदि शक्ति शिवलिंग से बनने वाले अंक हैं जिससे शिव निर्माण जलधारा को कहा जाता है। ऐसे शिव मंदिर में जाकर जल धारा लगाना चाहिए, ऐसे शिव जी की आराधना करनी चाहिए और परिक्रमा करनी चाहिए। इस संबंध में माना जाता है कि जल धारा जो भी भक्त लगाता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। जल धारा के पश्चात आप परिक्रमा जरूर लगाएं। इसके बाद मित्रों माता रानी की परिक्रमा हमें कितनी लगानी चाहिए। आदि शक्ति के किसी भी स्वरूप की माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती, इनकी परिक्रमा केवल एक ही बार की जानी चाहिए। कितनी बार? एक बार ही की जानी चाहिए। परिक्रमा लगाते हुए देवी की पीठ की तरफ पहुँचने पर प्रणाम करना चाहिए। ऐसा भी देवी की परिक्रमा की जा सकती है जिसका ध्यान हम माता रानी का करते रहें और ध्यान करके परिक्रमा लगाएं। मित्रों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि अगली आने वाले वीडियो आपको शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो सके। जय श्री राधे, जय श्री।